इंदौर नगर निगम द्वारा शहर के विकास और यातायात की सुगमता को लेकर शहर भर में अवैध और बाधक निर्माणों को हटाने का काम जारी है। निगम की यह कार्रवाई आज सुबह हसरवटे बस स्टैंड पर की गई। बस स्टैंड पर उज्जैन की ओर से आने वाले प्रवेश द्वार पर निगम द्वारा कार्रवाई की गई। यहां तक कि बस स्टैंड की प्रतीक स्वरूप बस सहित पानी की टंकी को भी निगम द्वारा कार्रवाई के दौरान ध्वस्त कर दिया गया। इसके अलावा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की 4 दुकानों को भी तोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तल घर की दुकानें भी हटाई गई है। यातायात को सुगम बनाने के लिए निगम द्वारा कार्रवाई ताकि लेफ्ट टर्न को आसान किया जा सके और क्षेत्र को जाम की समस्या से निजात मिल सके। हालांकि निगम की कार्रवाई से दुकान मालिक नाराज हैं। संजय लीला भंसाली की विवादित फिल्म पद्मावत रिलीज को लेकर अभी भी संशय बरकरार है। इंदौर के सभी सिनेमा घरों के बाहर पुलिस की कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए हुए हैं। उधर फिल्म रिलीज होने की स्थिति में करनी सेना भी सड़कों पर उतरने के लिए तैयार नजर आ रही है। सिनेमा मालिकों की ओर से पुलिस के पहरे में ही सही, लेकिन फिल्म पद्मावत को रिलीज करने की तैयारी तो डरे सहमे की जा रही है। लेकिन बहरहाल ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि फिल्म पद्मावत पर्दे पर आती है या नहीं। ठाकुर जीवन सिंह शेरपुर प्रदेश अध्यक्ष नेतृत्व में आज जो हम लोग इकट्ठा हुए हैं, हमारा विरोध पद्मावती मूवी है, पद्मावत को लेके हम किसी भी कंडीशन में इस मूवी को मध्य प्रदेश में रिलीज होने नहीं देंगे। हम पहले ही राज्य सरकार और राष्ट्रीय सरकार को बोल चुके हैं, हमने स्टेट गवर्नमेंट और सबको सूचना दे चुके हैं कि किसी भी कंडीशन में पद्मावती मूवी मध्य प्रदेश में रिलीज ना हो। अगर ये मूवी यहाँ रिलीज होती है तो जो भी अशांति फैलती है उसकी जवाबदारी सरकार और प्रशासन की रहेगी।